पकौड़ा कढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने घर में शादर आबाद रखे, अपने खाना में रिज़्क में बरकत फरमाए। आज हम लोग कढ़ी पकौड़ा बनाने लगे, जिसके लिए हमें दही जो है वह खुद घर पर बनाया है। अब हम इसको जार में डालेंगे, उसकी लस्सी तैयार करेंगे और फिर हम दही कढ़ी की तैयारी करते हैं। जो कढ़ी के लिए हमने पकोड़े बनाने के लिए बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से जिस बर्तन में हमने कढ़ी तैयार करनी है उसी में हम यह पकोड़े जो है बना लेंगे। इस तरह से हम पकोड़े जो है हम इस तरह से तैयार करते जा रहे हैं और ये हमने तैयार कर लिए हैं। ये हमने लहसुन प्याज और सब्ज मिर्च की हमने कटाई कर ली है और ये वो बर्तन है जिसमें हमने कढ़ी बनानी है और इसी में हमने पकौड़े तैयार कर लिए हैं। फिर इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लस्सी तैयार की थी इसी में हम बेसन शामिल कर देंगे। इसमें हम आधा पाव जो है वो बेसन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने बेसन शामिल कर दिया, ये आधा पाव हमने बेसन शामिल किया और इसको हम इसी की मदद से मक्खन की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इधर जो है हमारा ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें खुश्क धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करेंगे एक चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुरख मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें लस्सी शामिल कर देंगे। जब तक इसको बाहर नहीं आता हम इसको स्टेमर चलाएंगे। थोड़ा सा बेसन डाल के आपने इसको पकाना है। अभी ये इतनी पतली है, पक पक के गाढ़ी होगी। ये अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है पहले की नस्बत काफ़ी। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने गरम मसाला शामिल किया। ये
ये अब हम कड़ी में डालने के लिए कोर तड़का तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बाजरा मिर्च ले लिया है और ये हमने जितना ऑयल शामिल करना है वो ऑयल शामिल करेंगे। कुछ हमने जब तड़के कड़ी बनाने लगे तो उस वक्त भी शामिल किया हुआ था। ये इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से अब हम इसको थोड़ा सा जो है हला लेंगे। आप में इसमें ये गर्म मसाला शामिल कर देंगे और चूल्हा कर देंगे हम बंद। इधर हम कड़ी में पकौड़े शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमने झोंका लगा दिया। अब हमने ऊपर रख देना है ढक्कन इस तरह से। जनाब इसमें हम कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे इस तरह से मसल कर। आँच को हल्का करेंगे और ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसको 5 से 8 मिनट जो है वो तैयार कर लेंगे। और जो है हमारी तैयार हो चुकी है जनाब। अब हम इसकी कर लेते हैं सर्फिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमने सर्फिंग कर ली है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी पकौड़ा करी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट जो होगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नुमाया तौर पर आप घर वाले जो है पसंद करेंगे। और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।